वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सीनियर मिलाना तो इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन जब तक आपकी छतरी फिट नहीं होगी फ्री डिश वाली, तो आप लोग चाहे कोई भी सेटेलाइट सेट करें, जब तक छतरी फिट नहीं अच्छे से नहीं होगी, चाहे आप सिग्नल मिलाते हुए परेशान हो जाएंगे, सिग्नल मिलेंगे आते जाते नो सिग्नल की प्रॉब्लम आती रही, जब तक आपकी छतरी अच्छे से फिट नहीं होगी। आज का वीडियो मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ छतरी से रिलेटेड। अगर फ्री डिश आप लोग सेट करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। आपको टॉपिक बताएंगे कैसे आपको छतरी फिट करना है, फिट करना तो नहीं बताऊँ कैसे, लेकिन आपको कैसे क्या करना है वो आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। और सिग्नल आप बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मिला लेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप छतरी को फिट करते हैं तो सबसे पहले फिट क्या करते हैं आपको वो तरीका आपको बताते हैं क्या क्या आपको फिट करना होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अगर आपके पास ड्रिल मशीन या हैमर रोटरी हैमर नहीं है तो आप लोग इस तरह क्या करना है, आपका स्टैंड सबसे पहले स्टैंड को फिट करना है। ठीक, स्टैंड हैवी बनाना है। ठीक, आपका जिससे हैवी बनाएंगे, जैसे आंधी तूफान में आपको कोई प्रॉब्लम नो सिग्नल वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके हैमर ड्रिल मशीन है तो सबसे पहले उस लगा लेना है। अगर नहीं है तो आप लोग घर पर बिल्कुल आसान तरीके से कर ले। सबसे पहले क्या करना है मेरी बात ध्यान, सबसे पहले आपका रहेगा माउंट। माउंट मतलब इसमें एक लंबा लंबा वो होता है माउंट लोहे का, उसमें फंसाया जाता है, ये रहेगा। इनमें क्या होता है, इनमें आपका लेफ्ट राइट, अगर नहीं लिखा है तो आपको किसी तरह किस चाहे आप उल्टा लगा दें चाहे सीधा। ठीक, आपका लिखा होता है राइट और लेफ्ट, अगर आपने लिखा है तो। ठीक, एक एक पत्ती मुड़ी से आती है, इसमें से चपक जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, टाटा स्काई में हमने देखा है ऐसे लगी होती है। सबसे पहले इन स्टिक में ध्यान देना है। ठीक, आपका माउंट लग जाएगा, जो स्टैंड हो गया मतलब ये डंडा हो गया। ठीक, आपका लग, इसके बाद ये स्ट्रेट यानी डंडी पत्ती हो गई। पत्ती मतलब क्या है, इसमें एल और आर लिखा है, लेफ्ट का मतलब है बायां, राइट का मतलब है दायां। ठीक, और जी का मतलब ग्राउंड, जो आपका जी रहेगा सबसे नीचे लगेगा। ठीक, आपको अगर ड्रिल मशीन आपके नहीं है घर पर इस तरह को बना के कर लेना है, जिससे होगा कि आपको क्या करना है, इसको बनाने के बाद फिर क्या करना है, ताजे में आपको सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलाना है। ठीक, जब आपका हैवी हो जाए अच्छे से मजबूत हो जाए उसके बाद आपको सिग्नल मिलाना है। ठीक, और जैसा आपने शाम को बनाया तो आपको मजबूत हो जाएगा तो आप लोग सुबह सिग्नल मिला सकते हैं। ठीक, ताजे में रहेगा, अगर आंधी तूफान आ गई तो आपका यह भी उखड़ सकता है, हिल सकता है, अगर डंडा आपका मजबूत नहीं हिलना चाहिए। फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपका डंडा और जो पत्ती स्ट्रेट है आपका जो माउंट ये बिल्कुल अलग होता है। ठीक, आपका जो है आपका LNB जो आर्म है, जो इसमें LNB लगी होती है, जो आपका रिफ्लेक्टर हो गया। रिफ्लेक्टर सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या लगाना, सबसे पहले रिफ्लेक्टर जो तवा होता है इसको नहीं लगाना, क्या लगाना है, सबसे पहले आपको ये लेना है जो पत्ती से चारों ओर से पकड़े हुए है ना, सबसे पहले इसको लेना है। उसके लेने के बाद क्या करना है, आपने देखा होगा अगर डिसेट करते हैं तो आपका ये पत्ती में कुछ नीचे गैप रहता है, किसी में इस तरह को, इसमें कम गैप, इसमें ज़्यादा गैप होता है, जो जो देख रहे हैं स्टैंड ये वाला जो इसमें LNB लगी होती है आर्म में यानी डंडे में, तो सबसे पहले इसको लगा, इसमें फिर नहीं करना, सबसे इसको लेना, उसके बाद इसको लगाना है। आपको नट इधर से निकाल सकते हो, बोल्ट होती इधर को कर से, अगर उस साइड जगह है तो उस साइड को आपको कर देना है, इसको लगाना है। इसको कहाँ लगाना है, इसको इसके पहले मतलब ये है आपका, तो इसको इधर लगाना, बल्कि उस साइड से जो डंडा होता है LNB वाला उसको वहाँ पर आप लोग ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर। ठीक, आपको इस तरह भी लगा, उसके बाद लगाने के बाद क्या करना होगा आपको, तब आपको रिफ्लेक्टर में कस लेना, अगर आप जगह है तो इसको पहले लगा सकते हैं, आपकी जैसा आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इनको लगाना है, इसमें एक छेद होता है, ये देखो नट उल्टा सीधा मत लगाना, जैसे लगाए उसको उस वैसे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर आपको आप लोग समझ में आ गए कैसे लगाना है। सबसे पहले इसको फिट करना, उसके बाद इसको लगा देंगे, नट बोल्ट आप छोटे बड़े, एक देखो एक यहाँ बड़ा लगेगा आपका, एक यहाँ पे बड़ा लगेगा, एक आपके नीचे जो माउंट होता है ठीक उसमें लगाया जाएगा, उसमें बड़ा लगे, छोटे होंगे आपके देख सकते हो चार, ठीक चार ये लगेंगे,
दो आपके ये इस तरह लगेगा छोटा एक, और इस तरफ एक छोटा लगेगा। ठीक, नहीं है आपके पास तो बड़ा भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखो तीन नट बोल्ट, इसमें एक लगा नहीं हुआ है, दो लगे हुए हैं। आपका जो इसमें जो आर्म इस वेलन भी वाला डंडा होता है इसमें लगे होते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। उसके बाद आपको LNB के बारे में, आप सही से लगाएंगे तो आपको सिग्नल मिल जाएगा। LNB बताते हैं, LNB किस तरह आपको लगानी चाहिए। उसके बाद LNB आपकी टूटी हुई है, ठीक, LNB टूटी हुई तो आपका LNB ख़राब नहीं होगी जल्दी। ठीक, उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, LNB को बीचों बाज रखना है। बीचों बाज रखने से होगा कि आपको सिग्नल, मेरी बात पहले ध्यान सुना, बीचों बाज में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर न चिप, इधर बिल्कुल नहीं आना चाहिए न इधर ज़्यादा, बीचों बाद में सेंड। उसके बाद क्या करेंगे, इसको तिरछा करेंगे। तिरछा करने से होगा, आप जब सिग्नल मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे। उसके बाद आपको डिस सेट करने के बाद क्या करना है, इससे होता है सिग्नल कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसको अपने आप एडजस्टमेंट करके आप लोग वैसे लगाएंगे तो बेहतरीन रहेगा। उसके बाद क्या करना, आपने नई छतरी लगाई, जैसे हमने बताया आपने फिट भी कर लिया। ठीक, फिट करने के बाद उस ये इम्पोर्टेंट बातें हैं ध्यान रखना, तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट, आप सिग्नल मिलाएंगे तो जो बेहतरीन रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आप सिग्नल मिलाना जानते हैं तो जहाँ से आप छतरी लाएँ, सेटअप बॉक्स लाएँ, वहाँ से एक बार क्या करना है, वहाँ पर अपने सेटअप बॉक्स से चेक करवा लेना है LNB वायर से कि तो हमारा सिग्नल आ रहा है सेटअप बॉक्स नहीं। अगर आपके सेट वहाँ पे आपने नहीं चेक किया, अगर आपका सेटअप बॉक्स रिसेट होगा तो आप चाहे जितना कोशिश करें सिग्नल मिलाने में, तो आपको सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब सेटअप बॉक्स आपका चलना चाहिए, वीडियोस में आना चाहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।